हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू एसएस स्टडी पॉइंट। नाउ हम इस वीडियो में BEGG 174 क्रिएटिव राइटिंग के ब्लॉक 3 राइटिंग फॉर द मीडिया को एनालाइज करेंगे। ये मैं क्लियर बता देती हूँ कि इसमें हम देखेंगे कि आपके जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम आने वाले हैं, तो हम पूरा क्लियर तो बुक के एक एक पॉइंट्स डिस्कस नहीं कर सकते हैं। जो भी आपके इम्पोर्टेंट पॉइंट हैं या जो भी आपके इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं कि ये आ सकते हैं, हम उसको देखेंगे, एनालाइज करेंगे, उसका ओवरव्यू देखेंगे, उसको समझेंगे। ओके, इस ब्लॉक में, ब्लॉक 3 में हमारे हैं 4 यूनिट्स हैं, रेडियो, टीवी, अंडरस्टैंडिंग न्यू मीडिया एंड राइटिंग फॉर न्यू मीडिया। फर्स्ट यूनिट देखते हैं, फर्स्ट यूनिट है हमारी रेडियो। रेडियो सभी सुनते हैं, फोन में, आजकल टीवी में भी आते हैं, ठीक है, अलग से भी आते हैं रेडियो। तो रेडियो, हाँ, सब फर्स्ट है हमारे इसमें, इस चैप्टर में, इस यूनिट में आपके 4 क्वेश्चन बन सकते हैं या 4 इम्पोर्टेंट है आपके। फर्स्ट है आपका सब्सटेंस ऑफ रेडियो प्रोग्रामिंग, सेकंड है आपकी राइटिंग फॉर रेडियो, फोर्थ है आपकी द स्पोकन लैंग्वेज एंड फोर्थ होगा आपका इम्पोर्टेंट साउंड इफेक्ट्स। ठीक है, हम 4 को डिस्कस करेंगे अभी। फर्स्ट है सब्सटेंस ऑफ रेडियो रिकॉर्डिंग, रेडियो प्रोग्रामिंग, मतलब क्या क्या सार हैं आपके रेडियो प्रोग्रामिंग के, क्या क्या तत्व हैं आपके रेडियो प्रोग्रामिंग के, ठीक है, क्या क्या आपको मिलता है रेडियो में। फर्स्टली क्या है, आपको एंटरटेन मिलता है, एंटरटेनमेंट के साथ साथ आपको क्या थोड़ी बहुत एजुकेशन भी मिलती है। जो भी आप सीख रहे होते हो कहीं से भी, उसमें आपको कुछ ना कुछ एजुकेशन जरूर मिलती है, आपको एंटरटेनमेंट भी हो रहा है रेडियो से, एंड एंटरटेनमेंट के साथ साथ उसमें आपको क्या मिलती है, आपको एजुकेशन भी मिलती है। फोर्थ है आपकी इंफॉर्मेशन, इंफॉर्मेशन मिलती है आपकी न्यूज, ये जो रेडियो पे आपके चैनल्स हैं AIR, FM एक्सेट्रा, इसमें क्या मिलती है आपको, इंफॉर्मेशन भी मिलती है जो भी आप चल रहा होता है पूरी दुनिया में, या क्या क्या कोई न्यूज़ होती है, कोई खबर होती है इम्पोर्टेंट, आपको उसके बारे में भी इंफॉर्मेशन मिलती है। किसी भी चीज़ के बारे में कोई बताया जा रहा होता है, अर्बन वूमेन के बारे में या रूरल वूमेन, ये क्या उनकी स्थिति है, ठीक है, कहाँ क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा है, उनके बारे में भी आपको इंफॉर्मेशन मिलती है। थर्ड क्या है, आप कमर्शियल्स, एक विज्ञापन का भी एक साधन है रेडियो, जिसमें आप एडवर्टीजमेंट डालते हो। ये कब शुरू हुआ था, 1 नवंबर 1967 को शुरू हुआ था, कि आप उसमें एड्स वगैरह भी दे सकती हो। एड्स क्यों देते हो, आपके जो भी आपकी गुड्स एंड सर्विसेज हैं, ठीक है, उसको प्रमोट करने के लिए, उसमें आपको प्रमोशन करने के लिए, अपनी चीज़ों को बेचने के लिए, या किसी भी चीज़ के लिए जो आप एडवर्टीजमेंट देते हो, उसका भी एक साधन है, ठीक है, आप उसमें विज्ञापन दे सकते हो प्रॉफिट के लिए। एंड इंस्ट्रक्शन एजुकेशन, फोर्थ है आपका इंस्ट्रक्शन एंड एजुकेशन, मतलब निर्देश और शिक्षा। निर्देश एक पर्टिकुलर टाइम तक होती है, मतलब कि आप कुछ निर्देश दिया जाता है कि आपको ये करना है, ये नहीं करना है, कुछ अच्छी सलाह दी जाती है। एंड एजुकेशन क्या है, आपका लॉन्ग टाइम तक रहती है, जो आपको चीज़ें सिखाई जाती हैं, आप उन जो आपको चीज़ें सिखाई जाती है, आप उन चीज़ों के बारे में समझते हो, सीखते हो, लंबे समय तक आपके दिमाग में वो बातें रहती हैं। ओके, आपको इससे एजुकेशन भी मिलती है एंड आपको निर्देश भी मिलते हैं। फर्स्टली ये टीवी रेडियोज क्यों चलाए गए थे, आपको इंफॉर्मेशन देने के लिए, शिक्षा देने के लिए, न्यूज़ के लिए, स्टार्टिंग में तो ये इसी पर्पस के लिए चलाए गए थे, कि इससे आपको जानकारी मिले कि खेतों में, जैसे फार्मिंग में क्या क्या आपके प्रॉफिट्स हो सकते हैं, कौन कौन से सीड्स का यूज़ करना चाहिए, कैसे कैसे करनी चाहिए, आपको इन इंफॉर्मेशन के लिए स्टार्टिंग में ये चलाए गए थे, आपको न्यूज़ मिल सके, ठीक है।
तो आपको इनसे क्या मिलती है, एजुकेशन भी मिलती है, इंस्ट्रक्शन भी मिलती है। फोर्थ है पब्लिक सर्विस अनाउंसमेंट्स। रेडियो से आपकी पब्लिक सर्विस अनाउंसमेंट भी होती है, मतलब सेवा, लोक सेवा की घोषणाएं भी होती हैं, क्या क्या आपकी सेवाएं आ रही हैं, क्या क्या आपके लिए फैसिलिटीज आ रही हैं सरकार के द्वारा, या जो भी आपको जो जो रूल्स रेगुलेशन आपको उनके बारे में भी जानकारी मिलती है रेडियो पे। ओके, या जो भी आपकी जैसे रेलवे में क्या क्या चल रहा है, या कौन सी ट्रेन कब लेट है, या किस टाइम पे आती है, आपको उसके बारे में भी जानकारी मिल जाती है। आपको जॉब अपॉर्चुनिटी की भी इंफॉर्मेशन मिलती है कि कौन कौन सी जॉब में सीटें खाली हैं, कौन कौन सी में नहीं है। ये क्या है, ये पब्लिक सर्विस ही है, तो इनकी अनाउंसमेंट भी आपकी रेडियो पे होती है। आपको समझ में आ गया होगा, नहीं मतलब फर्स्ट आपको समझ में आ गया होगा जिसमें सब्सटेंस ऑफ रेडियो प्रोग्रामिंग है, एंटरटेनमेंट है, इंफॉर्मेशन है, कमर्शियल है, इंस्ट्रक्शन एजुकेशन है, एंड पब्लिक सर्विस अनाउंसमेंट है। सेकंड है इम्पोर्टेंट, फर्स्ट पॉइंट 3, राइटिंग फॉर रेडियो। इसकी राइटिंग कैसी होती है रेडियो की, मतलब जो आपका आरजे या कोई भी आपको इन्फॉर्मेशन दे रहा होता है उसकी जो स्क्रिप्ट तैयार करता है, जो उसका राइटर होता है, वो क्या, उसे क्या क्या करना होता है या क्या किन चीज़ों का ध्यान रखना होता है, क्योंकि रेडियो की राइटिंग और टीवी या आप जो बुक्स पढ़ते हो, नॉवेल्स पढ़ते हो, उनकी राइटिंग में बहुत डिफरेंट होता है। उनको आप देखते हो, उसको आप देख के समझते हो, पढ़ के समझते हो। टीवी को आप देख के भी और पढ़ के भी समझते हो, मतलब देख के और सुन के समझते हो, ठीक है। बट रेडियो क्या है, ओनली लिसनिंग है, आप सिर्फ सुनते हो उसमें क्या बोला जा रहा है, तो उसकी राइटिंग और टीवी की राइटिंग बिल्कुल सेम नहीं होती है, ना ही आपकी बुक्स की होती है सेम, बहुत डिफरेंट होता है। एक राइटर जो आपका बुक का एंड टीवी का जो भी राइटर है वो बेस्ट राइटर है, क्या वो रेडियो का सेम राइटर बन सकता है, वो उसमें ज़रूरी नहीं कि वो उसमें भी अच्छा परफॉर्म करे, वो उसमें लो परफॉर्म भी कर सकता है, ज़रूरी नहीं है ऐसा। सो फर्स्ट यहाँ पे इस पहरे में यही बताया गया है कि आपके जो रेडियो राइटर राइटिंग होती है वो डिफरेंट होती है एज़ कम्पेयर टू टीवी राइटिंग या न्यूज़ या बुक्स राइटिंग से। फर्स्ट पॉइंट है इसका 1.3.1 है, ब्रॉडकास्टिंग डिमांड्स ऑन द राइटिंग, मतलब क्या क्या आपके रेडियो में क्या क्या आपकी डिमांड्स होती हैं, ठीक है। आपकी सिंपल होनी चाहिए राइटिंग, यही है इस पैरे में, वो ज़्यादा कुछ है नहीं कि आपकी डिमांड आपकी सिंपल होनी चाहिए, आपकी ऐसी होनी चाहिए जो आपकी जो सुन रहा है उसको समझ में आए, ठीक है, उसके माइंड में इमेजिनेशन हो कि क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है, राइटर को क्या क्या बातें ध्यान रखनी चाहिए, आपकी राइटर को क्या क्या बातें ध्यान रखनी होंगी। थिंक अबाउट द सब्जेक्ट ऑफ दिस, इसमें आपको देखना होगा कि आप जो भी आपका आप राइटर हो रेडियो के, तो आपको देखना होगा कि जिस बारे में आप इंफॉर्मेशन दे रहे हो पहले उसकी जानकारी लो, पहले उसको चूज़ करो, देन उसके बाद आप उसको लिखो। पहले उसके बारे में जानकारी लेनी चाहिए, उसके हर एक पहलू को पहले समझो, ठीक है। सेकंड है, आप ये इमेजिन करो कि जो आपको सुन रहा है, जो आपका लिसनर है, वो आपकी रियल लाइफ में आपके सामने बैठा है, देन आप उसके साथ कन्वर्सेशन कर रहे हो, ओके, उनके साथ आप बातचीत कर रहे हो, वही आप इमेजिन करके आप लिखोगे, देन जो भी रेडियो पे वो पढ़ेगा उनके साथ एक अच्छा बॉन्ड क्रिएट होगा, एक अच्छी राइटिंग मानी जाएगी वही। अवॉइड डिफिकल्ट वर्ड्स, आपको डिफिकल्ट वर्ड का यूज़ नहीं करना है, बिल्कुल एज सिंपल वर्ड्स का यूज़ करो, ठीक है, ऐसे जो आप नॉर्मली लाइफ में बोलते हो, जो आपके लिसनर को समझ में आए, ठीक है। एक टाइम मैनेजमेंट होना चाहिए गुड, जो आपके रेडियो पे बता रहा है उसके और जो आपकी रेडियो की राइटिंग ले रहा है उनके दोनों के बीच एक टाइमिंग का एक अच्छा
संबंध होना चाहिए। ये है हमारा adjust your writing to a mode of, मतलब टाइमिंग ऐसी होनी चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपका राइटर लिख रहा है सुबह के टाइम बट किसके लिए लिख रहा है, जो शाम को आप बोलोगे उस टाइम आपका मौसम भी चेंज होगा, आपका डे भी चेंज होगा, ठीक है, आपका इन्वायरमेंट भी चेंज होगा, तो आपको उसके हिसाब से लिखना होगा कि किस टाइम के हिसाब से ये हमारी राइटिंग लिखी जा रही है। ओके, सुबह बारिश हुई आपने उसका लिख दिया पर शाम को ऐसा कुछ है नहीं, तो वो टाइम के साथ मैच होगी, नहीं होगी, तो आपको टाइम के साथ ऐसी मॉर्निंग बनानी होगी कि दोनों के साथ सिमिलर रहे वो। हाँ, ये है राइट अबाउट रेडियस, आपको ऐसा क्लियरली नीटली लिखना है, क्लियर होना चाहिए जो आप लिख रहे हो, राइटर के लिए बताया गया है ये रेडियो के, कि आपको ऐसा लिखना होगा जिससे आपकी राइटिंग क्लियर हो, ठीक है, एंड नीटली हो। क्लियर होगी तो जो आपकी राइटिंग को पढ़ के रेडियो पे बता रहा है वो अच्छे तरह से बता पाएगा, और नीटली क्लीनली होगी आपकी राइटिंग तो वो समझ पाएगा। अगर वो उसको समझ नहीं आएगी राइटिंग तो बोलने में भी प्रॉब्लम होगी उसकी, वो एक अच्छी राइटिंग नहीं मानी जाएगी, स्टूडियो में उसको प्रॉब्लम आएगी वो बातें बोलने में, क्योंकि उसको ही क्लियरिटी नहीं मिलेगी जो आपने लिखा है। तो आपकी रेडियो की राइटिंग बिल्कुल क्लियर एंड नीटली क्लीन होनी चाहिए, एंड क्या क्या होना चाहिए उसमें, ज़्यादा हार्ड वर्ड यूज नहीं होने चाहिए, सिंपल टाइम के साथ इक्वल होनी चाहिए कि जो टाइमिंग है उसी के हिसाब से वो राइटिंग भी होनी चाहिए, एंड सेकेंड है इसका गुड एंड बैड राइटिंग। गुड एंड बैड राइटिंग, गुड राइटिंग कौन सी होती है, बैड राइटिंग कौन सी होती है रेडियो में, तो ये एक एग्जाम्पल दिया गया है, एक स्टोरी दी गई है और ये बैड राइटिंग का एग्जाम्पल दिया गया है। तो मैं ये स्टोरी तो आपको पूरी पढ़ के नहीं सुनाऊंगी, अगर आप इंटरेस्टेड है तो आप पढ़ लीजिएगा, एग्जाम्स में भी ये स्टोरी नहीं आएगी, बस ये आएगा कि बैड कौन सी होती है और गुड कौन सी होती है, तो आप ये खुद भी लिख सकते हो, मैं ये समझा देती हूँ, ये इसमें बताया गया है थोड़ा बहुत, उसका ऊपर का एग्जाम्पल का ही बताया गया है कि गुड राइटिंग इसमें कौन सी बताई गई है। गुड राइटिंग वो है रेडियो के लिए जो शॉर्ट शॉर्ट गैप पे है, मतलब शॉर्ट गैप, थोड़े बहुत वर्ड्स लिखे, मतलब एक लाइन लिखी देन फुल स्टॉप, उसमें एक ब्रेक आया, वो है आपकी गुड राइटिंग। आपकी लॉन्ग लॉन्ग टाइम पे जो गैप आ रहे हैं वो आपकी बैड राइटिंग है, बिकॉज आप रेडियो में पढ़ते जाओगे देन आप सांस लोगे, देन आप एक फुल स्टॉप लगाओगे, तो वो आपकी सही बिल्कुल नहीं मानी जाएगी। क्यों नहीं मानी जाएगी, आप पढ़ते रहोगे उसमें फुल स्टॉप नहीं आ रहा है, ये आपको पता ही नहीं चल रहा है कि क्या बता रहा हूँ, क्या समझा रहा हूँ, सुनने वाला क्या समझ रहा है। शॉर्ट होगी, आप थोड़ा बताओगे, स्टॉप लोगे, ठीक है, वो इफेक्टिव भी लगेगी, और जिस पे आप फोकस कर रहे हो, जिस चीज़ पे, ठीक है, उसका अच्छे क्लियरली फोकस भी होगा उस चीज़ पे। शॉर्ट शॉर्ट लिखे, शॉर्ट शॉर्ट गैप में लिखे, जिससे सुनने वाले को भी ठीक लगे और बोलने वाले को भी ठीक लगे। रेडियो स्क्रिप्टिंग कैसी होगी, ये हमने देख लिया है, कैसी होनी चाहिए, अलग अलग टाइप की स्क्रिप्टिंग होती है रेडियो में भी, प्ले की अलग स्क्रिप्टिंग होती है, ठीक है, एड्स की अलग होती है, प्ले की, एड्स की, आपकी स्टोरी की, एजुकेशन रिलेटेड, सोशल रिलेटेड, इनकम रिलेटेड, जो भी आपके प्रोग्राम्स आते हैं रेडियो में, हर चीज की अलग अलग राइटिंग होती है। ओके, आप एक टीवी के लिए प्ले लिख रहे हो एंड आप एक स्टोरी के लिए प्ले लिख रहे हो, नॉवल में प्ले लिख रहे हो, मतलब अपनी बुक्स में प्ले लिख रहे हो, उसकी राइटिंग एज कंपेयर टू रेडियो बहुत डिफिकल्ट होगी, रेडियो की डिफिकल्ट होगी, बिकॉज उसमें आपको क्या बताया जा, क्या बताओगे उसमें, उसमें क्या बताओगे रेडियो वाली में, उसमें आपको ध्यान रखना होगा कि आप बोल के ही हर उस सिचुएशन का बताना है आपको, सिचुएशन के साथ साथ आपके अपने करेक्टर्स का भी बताना है कि कौन कौन करेक्टर है उसमें, ठीक है, क्या क्या सिचुएशन चल रही है, क्या क्या आपको इन्वायरमेंट लिया गया है, हर चीज़ को ध्यान में रखते हुए आपको स्क्रिप्टिंग तैयार करनी होगी। ओके,
तो वो इजी नहीं होती है। तो आपकी स्क्रिप्टिंग हर अलग अलग टाइप की होती है। ओके, तो आपकी स्क्रिप्टिंग थोड़ी गुड अच्छी लाने के लिए आपकी थोड़ी स्क्रिप्टिंग इमेजिनेटिव होनी चाहिए। आप इमेजिन करके अपनी स्क्रिप्ट तैयार करेंगे कि सामने वाला ऐसे है और मैं उसको ऐसे बता रहा हूँ, ये भी ध्यान रखना होगा आपको। एंड साथ के साथ क्या ध्यान रखना होगा, आपकी इजी हो, सिंपल हो, ठीक है। 1.4 है आपकी द स्पोकन लैंग्वेज। रेडियो में क्या क्या आपकी लैंग्वेज होगी, क्या क्या आपका बोलने का तरीका होगा आपके रेडियो में। फर्स्ट है हमारा, इसका ही पॉइंट है द साउंड ऑफ नॉर्मल स्पीच। आपको नॉर्मल स्पीच यूज करनी है, ओके। ना ही ज्यादा आपको हाई, ना ही ज्यादा लो, आपको नॉर्मल ऐसी स्पीच यूज करनी है जिससे आपके लिसनर को वो बातें समझ में आए। जैसे हमने ऊपर पढ़ा था, अपनी फुल स्किल का यूज करो, अपनी फुल नॉलेज का यूज करो, अपने चारों तरफ की बातों में ही मत घूमो कि एक ही चीज आप बार बार में बोले जा रहे हो, ऐसा मत करो। पूरी उसके बारे में एजुकेशन लो एंड देन यू स्पीच, ठीक है। उसको लिखो, उसके बारे में समझो, उसको एक बार रीचेक करो, देन आप लिखो और बोलो। इनफॉर्मल वर्ड्स का यूज करो। आप फॉर्मल वर्ड का यूज करते हो पर आप नॉर्मल डेली लाइफ में फॉर्मल वर्ड का यूज नहीं करते। किस चीज का यूज करते हो? इनफॉर्मल वर्ड का यूज करते हो, जो समझने में भी आसानी होती है। तो ऐसे ही आपको अपनी रेडियो की स्पीच में कैसे वर्ड का यूज करना चाहिए, इनफॉर्मल वर्ड्स का यूज करना चाहिए। ज्यादा हार्ड वर्ड यूज नहीं करने हैं। कैसे यूज करने हैं? इनफॉर्मल यूज करनी है, जो आप डेली लाइफ में अपने यूज करते हो। थर्ड है हमारा कॉन्ट्रेक्शंस। इसमें क्या है, आपके शॉर्ट शॉर्ट वर्ड यूज करने हैं। हर चीजें इतनी भी खोल के नहीं बतानी है जितनी वो होती है, बिल्कुल शॉर्ट शॉर्ट, ऐसा लगे कि वो रियल है, वो चीज रियल है। ये नहीं कि लिखा लिखाया ही बोल रहे हो आप, ऐसी होनी चाहिए बोलने का तरीका आपका, ऐसा होना चाहिए कि वो लिखा लिखाया ना लगे बल्कि वो रियल लगे। आपके बोलने का तरीका बताया गया है इसमें, आपकी बोलने की लैंग्वेज कैसी होनी चाहिए, नॉर्मल स्पीच होनी चाहिए, इनफॉर्मल वर्ड का यूज करना होगा आपको, जो आप नॉर्मल लाइफ में वर्ड का यूज करते हो। एंड कॉन्ट्रेक्शन मतलब ऐसे ये दिया गया है, एग्जाम्पल आई एम गोइंग, हाँ आई एम गोइंग को क्या बोलोगे, आई एम गोइंग, आई कुड नॉट डू दैट, इसको क्या बोलोगे, आई कुडंट डू दैट, यू डिड नॉट टेल मी, क्या लिखो, क्या बोलोगे उसे, यू डिडंट टेल मी। जैसे एक और एग्जाम्पल है, आई कैन नॉट डू दिस, उसको आप क्या बोलोगे शॉर्ट लैंग्वेज में, आई कांट डू दिस, ओके। तो अपने वर्डों को थोड़ा शॉर्ट करके लिखो, सिंपल सेंटेंस। इसमें भी बताया गया है जैसे हमने ऊपर पढ़ा था, अपने वर्ड में सिंपल मतलब अपने वर्ड सिंपल लैंग्वेज में बोलो, जो भी आपके वर्ड्स हैं उसमें सिंपल लैंग्वेज का यूज करो, ठीक है। अपने वर्ड्स जो भी बोल रहे हो वो बिल्कुल सिंपल होने चाहिए, ठीक है। सिंपलीफाई अपने एक्सप्रेशन, यूर सिंपल लैंग्वेज। एंड फिफ्थ है हमारा, यही बताया गया कि आपको हार्ड लैंग्वेज का यूज नहीं करना है, हार्ड सेंटेंस का यूज नहीं करना है। बेशक से आपको उस बारे में एजुकेशन है, बट आपको ऐसे ही वर्ड यूज करनी है जो अगले वाले को भी समझ में आए और आप भी क्लियरिटी से अच्छे तरीके से बोल सकें, जो अच्छी लगे बोलने में। फिफ्थ है इनकम्प्लीट सेंटेंस। थोड़ा थोड़ा इनकम्प्लीट सेंटेंस का भी यूज करना चाहिए, क्योंकि आप अपनी रियल लाइफ में कोई भी कंप्लीट सेंटेंस आप यूज नहीं करते हो, ठीक है। रेडियो भी क्या है, रियल लाइफ की तरह, तो आपको बिल्कुल ही क्लियर पूरे सेंटेंस यूज नहीं करने हैं, थोड़ी शॉर्टनेस लाओ उसमें, क्योंकि आप रियल लाइफ में भी पूरे वर्ड यूज नहीं करते हो। ऐसे ही आप अपने उसमें भी शॉर्टनेस ला सकते हो। जैसे आप कोई पूछ रहा है कि क्या तुम वहां जाओगे, आप आंसर क्या दोगे,
नॉर्मल लैंग्वेज में क्या दोगे? हाँ या नहीं जाना है तो नहीं, ये तो नहीं बोलेंगे हाँ मैं आज वहां नहीं जाऊंगा या मैं आज वहां जाऊंगा, पूरा क्लियर वही सेंटेंस नहीं बोलना है। मतलब आप थोड़े उसमें इनकम्प्लीट लाओ। कोई पूछता है रेडियो में ही ऐसी लैंग्वेज का यूज करो कि कोई पूछ रहा है उसका सिर्फ किसमें आंसर देना है, ज्यादा कंप्लीट सेंटेंस में बोलने की जरूरत नहीं है। सिर्फ या श्योर, ऑफ कोर्स, यस, नो, हाँ, नो। सिक्स है डायलॉग एंड करेक्टर्स। सिक्स क्या है हमारा? डायलॉग एंड करेक्टर मतलब क्या क्या आपके क्या क्या आपके संवाद हैं, मतलब डायलॉग्स हैं, एंड क्या क्या करेक्टर हैं, क्या क्या चरित्र हैं, उनके हिसाब से आपके डायलॉग्स होने चाहिए। एक आपकी जो भी स्टोरी है या आपके जो भी बोल रहे हैं उसमें एक जान डाल देता है आपके डायलॉग्स। आपके डायलॉग्स अच्छे होंगे, इंटरेस्टिंग लगेंगे, सुनने वाला और सुनना चाहेगा, वो आपके रेडियो से जुड़ा रहेगा। तो आपके डायलॉग्स इंटरेस्टिंग होने चाहिए, अट्रैक्टिव होने चाहिए, एंड आपका जो करेक्टर है उससे मैचिंग होनी चाहिए। अगर आप मान लो स्टोरी सुना रहे हो और देन उसमें विलन को आप सॉफ्ट डायलॉग दो दो दे दोगे तो वो अच्छे नहीं लगेंगे। सो आपके जो डायलॉग्स हैं वो करेक्टर से मैचिंग होने चाहिए, एंड डायलॉग इंटरेस्टिंग अट्रैक्टिव होने चाहिए। ये भी कंप्लीट है। नरेशन ये नहीं है इम्पोर्टेंट आपका, ये भी नहीं है आपका, ये है 1.7। साउंड इफेक्ट्स। साउंड इफेक्ट्स क्या होती हैं? साउंड इफेक्ट्स क्या होती हैं? जो आपके रेडियो में जो भी आपके साउंड इफेक्ट्स आते हैं उनको किससे नोट करते हैं हम? क्या सिंबल होता है उसका? SFX। ओके, इससे आप डिनोट करते हो इसे। जो भी रेडियो में आपकी स्क्रिप्ट होती है, जो भी साउंड होते हैं, आपके साउंड कैसे होने चाहिए? जो भी आप बोल रहे हो रेडियो में या जो भी आपकी स्क्रिप्ट है उसके अकॉर्डिंग होने चाहिए, उससे मैचिंग होने चाहिए, ठीक है? और क्या क्या होना चाहिए? मूड पे डिपेंड होना चाहिए। जैसे कि इस टाइप की कोई बात चल रही है आपकी रेडियो में तो उसी टाइप के आपके साउंड होंगे, ठीक है? सैड बातें चल रही है तो सैड टाइप में आपके सॉन्ग होंगे, जो आपकी स्टोरी या किसी भी आपकी बात में एक अच्छा इम्पैक्ट डालता है, एक जान डाल देता है। साउंड, साउंड इफेक्ट आपकी हर एक चीज में एक अच्छी, बिल्कुल इंटरेस्टिंग अट्रैक्शन बना देता है एक साउंड ही। तो मूड पे डिपेंड होने चाहिए। अगर सैड बात हो रही है तो थोड़े लो साउंड होना चाहिए, ठीक है? साउंड के हिसाब से, बातों के हिसाब से आपका साउंड होना चाहिए। ओके, एंड जैसे आपको अगर क्लॉक, आप कोई शॉर्ट स्टोरी सुना रहे हो रेडियो पे, देन आपको अगर क्लॉक का दिखाना है कि क्लॉक कि टाइमिंग दिखानी है कि हाँ इसमें टाइमिंग चल रही है, तो टाइमिंग को किस चीज से डिनोट करते हो आप साउंड में? क्लॉक से, कि क्लॉक की आवाज आ रही है टन टन, ठीक है? एंड ऐसे ही सेकंड क्या है, एग्जांपल दिया गया है, जैसे कोई लवर रेडियो रेलवे स्टेशन पे खड़ा है, ठीक है? तो आप उसको ये तो नहीं बोलोगे कि हाँ मैं रेलवे स्टेशन पे खड़ा हूँ, वो बता रहा है कि मैं यहाँ हूँ या यहाँ हूँ। वो थोड़ा अजीब लगेगा, अजीब बात लगेगी कि ऐसी कोई बात ही नहीं थी रेडियो ये रेलवे स्टेशन की बोलने की, फिर भी क्यों बोली जा रही है इसमें? तो उसको साइड रखे, हम किस चीज़ का यूज़ करेंगे? साउंड का यूज़ करेंगे, जिससे आपको पता चल जाएगा कि वो कहाँ है रेलवे स्टेशन पे। आप क्या करोगे? अनाउंसमेंट की दिखाओगे, ठीक है? हॉर्न की दिखाओगे, ट्रेन की आवाज़ दिखाओगे। तो साउंड क्या होता है, आपको कुछ वर्ड ऐसे होते हैं जो आपको बोलने भी नहीं पड़ते और साउंड से आपको पता चल जाता है। जैसे आपके कदम बढ़ रहे हैं, टक टक टक, ऐसे साउंड दिखाओगे। पीछे हो रहे हैं कदम तो उसको थोड़ा लो करके दिखाओगे। तो जो भी रेडियो में जो आपके साउंड होते हैं वो जो इफेक्ट डालते हैं, ठीक है?
ये यूनिट आपकी कंप्लीट हुई है। सेकंड यूनिट है आपकी यूनिट टू, टीवी। टीवी सभी देखते हो, एक सेकंड। सेकंड है हमारी यूनिट टीवी, इसमें आपके क्या क्या इम्पोर्टेंट हैं, टाइप ऑफ प्रोग्राम्स, एंड टीवी एड्स, टीवी राइटिंग फॉर चिल्ड्रन, आपकी ये इम्पोर्टेंट है। ओके, आपके इम्पोर्टेंट यही रहेंगे 2.3, 2.5 एंड 2.7। फर्स्ट तो यही है, करेक्टरिस्टिक ऑफ टीवी, मतलब टीवी की क्या क्या विशेषताएं होती है ये आपको भी पता है, एंटरटेनमेंट होता है और क्या क्या होता है उसमें, आप सीरियल्स देखते हो, कार्टून्स, ठीक है, एक्शन मूवी सीखते हो, डिस्कवरी वगैरह हर चीज़ें देखने को मिलती हैं उसमें आपको, स्टोरी लाइन्स, ठीक है, क्लोज अप होता है और क्या होता है, हमारी टाइप ऑफ प्रोग्राम्स, ठीक है, क्या क्या टाइप्स के होते हैं आपके प्रोग्राम्स आपको पता है। फर्स्ट 2.3 क्या है, टीवी एंड एंटरटेनमेंट, एंटरटेनमेंट के लिए ही होता है मेनली, आप किस चीज के लिए देखते हो टीवी को, ज्यादातर एंटरटेनमेंट के लिए ही देखते हो, उससे आपको एंटरटेन मिलता है, कोई सीरियल्स देखता है, कोई गेम्स देखता है, कोई क्विज देखता है, कोई स्पोर्ट्स देखता है, कोई क्राइम सीरियल देखता है, ठीक है, कोई फिल्म देखता है, कोई कार्टून देखता है, किस चीज के लिए देखते हो आप, एंटरटेनमेंट के लिए देखते हो, जो एंटरटेनमेंट के जो आपके प्रोग्राम्स होते हैं किस किस टाइप के होते हैं आपके, एक तो एंटरटेनमेंट वाले प्रोग्राम होते हैं जिससे आपको एंटरटेनमेंट मिलती है, ठीक है, और क्या क्या होते हैं टाइप, टीवी एंड इंफॉर्मेशन, दूसरी आपको जो इंफॉर्मेशन मिलती है, मैंने आपको रेडियो वाले में भी बताया था, रेडियो टीवी ये किस लिए शुरू किए गए थे, आपको इंफॉर्मेशन देने के लिए, आपको एजुकेशन देने के लिए, स्टार्टिंग में ये इसीलिए शुरू किए गए थे, इससे आपकी न्यूज का पता चले क्या क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है, शिक्षा दी जाए, एजुकेशन दी जाए उस बारे में। तो फर्स्ट क्या है, टीवी एंड एंटरटेनमेंट प्रोग्राम, टीवी एंड टेलीविजन, हाँ टीवी एंड इंफॉर्मेशन प्रोग्राम जिसमें आप अपनी न्यूज देखते हो, ठीक है, आपको न्यूज के बारे में पता चलता है कि क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है, क्या बाहर की दुनिया में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, कोई स्कीम आई है, ठीक है, क्या आपकी पॉलिसी स्टार्ट की गई है, क्या क्या आपकी जॉब अपॉर्चुनिटीज हैं, ठीक है, ये कहाँ से आपको पता चलता है, टीवी से भी पता चलता है, न्यूज़ चैनल भी आते हैं, और कौन कौन से चैनल्स होते हैं, और कौन कौन से प्रोग्राम होते हैं, टीवी एंड एजुकेशन, आपको एजुकेशन भी मिलती है इंफॉर्मेशन के साथ साथ, इंफॉर्मेशन के भी बहुत चैनल होते हैं, एजुकेशन के भी बहुत चैनल होते हैं, जैसे ये फार्मर्स, विलेजर, अर्बन पुअर, ठीक है, फिजिकली हैंडीकैप्ड, ओल्ड वगैरह, जो भी आपके, जैसे ये जो हमने पहले रेडियो वाले में पढ़ा था कि उससे हमें एजुकेशन भी मिलती है, इंफॉर्मेशन भी मिलती है कि क्या क्या हमें क्या क्या सीड्स डालने चाहिए, अपनी कैसी जीवन व्यवस्था को कैसे ऊंचा बनाना चाहिए, ओके, उसको कैसे देखते हैं हम, टीवी में क्या क्या देखते हैं, हम एजुकेशन भी लेते हैं टीवी से बहुत, ठीक है, आपकी नॉलेज भी बढ़ती है, एजुकेशन से रिलेटेड क्या क्या देखने को मिलता है आपको टीवी में, क्या क्या देखने को मिलता है, क्वेश्चन क्विज भी होते हैं, ठीक है, क्वेश्चन आंसर क्विज भी होते हैं, और क्या क्या होते हैं आपके, डिस्कशन भी होते हैं उस पर, डिस्कशन भी होते हैं, क्विज प्रोग्राम होते हैं, ठीक है, डॉक्यूमेंट्री फॉर्मेट, मतलब डॉक्यूमेंट्री जो भी आपकी मूवीज भी आती है डॉक्यूमेंट्री जिसमें आपको सीखने को मिलता है, शॉर्ट स्टोरी भी होती है जिस, ठीक है, आपको अवेयरनेस भी मिलती है उसमें, और एजुकेशन भी मिलती है, किसी न किसी चीज़ के बारे में मैसेज होता है जिसको, जिससे आपको कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है इन सब से, और क्या होती है,
प्ले, सीरियल्स, ठीक है, हर कुछ ना कुछ, सीरियल से भी, प्ले से भी, स्टोरी से भी, फिल्म से भी आपको क्या मिलती है? एजुकेशन मिलती है, ठीक है। एनिमेशन ऑफ कार्टून प्रोग्राम्स होते हैं, तो क्या क्या प्रोग्राम्स है, टाइप ऑफ टीवी के प्रोग्राम्स के क्या क्या है, एंटरटेनमेंट है, इंफॉर्मेशन है, एजुकेशन है। ओके, ये फॉर्मेट ऑफ टीवी स्क्रिप्ट का नहीं आएगा। ये है इम्पोर्टेंट, वेरी वेरी इम्पोर्टेंट, टीवी एड्स, 100% ये क्वेश्चन आएगा। क्या आएगा कि आप किसी ना किसी, कोई भी आपको एक चीज दे देंगे कि आप इसके ऊपर एक एड स्क्रिप्ट लिखो। ओके, ये 100% आएगा ही, ये मैं बिल्कुल क्लियर बोल रही हूँ कि इसमें से एक क्वेश्चन जरूर आएगा कि आप एक एड बताओ, एड बनाओ 30 सेकंड्स की। आपको वो दे देंगे कि किस चीज़ के ऊपर बनानी है, सॉफ्ट ड्रिंक के बारे में बनानी है, चॉकलेट के ऊपर बनानी है आपको, या कॉफ़ी के ऊपर बनानी है, वो देंगे। बट एक चीज़ ज़रूर आएगी कि एक एड बताओ 30 सेकंड की, स्क्रिप्ट बताओ उसकी, ठीक है। ये 2.5 है आपकी टीवी एड्स। टीवी एड्स का हम क्यों यूज़ करते हैं, किस चीज़ का साधन है एक एडवर्टीजमेंट, किस चीज़ का साधन है आपकी सेलिंग का, कोई ना कोई कुछ ना कुछ चीज़ें बेचना चाहते हैं और वो चाहता है कि कोई उसकी चीज़ को खरीदे, ठीक है। तो टीवी एक बेस्ट तरीका है आपको अपनी चीज़ों के बारे में एडिंग एडवर्टीजमेंट करने का कि हाँ ये चीज़ ऐसी है, ठीक है। आपको जो खरीद रहा है उस चीज़ को, उसके बारे में फुल इंफॉर्मेशन भी मिलती है ऐड से। जैसे आपकी जंक फूड की ऐड आती है, एक्सेसरीज की है, ग्रोसरी की है, ठीक है, सैंड, परफ्यूम, डिजाइनिंग क्लोथ्स एक्सेट्रा, जो भी चीज़ें हैं ये किससे आ रही हैं, ऐड से आ रही हैं। आजकल तो ये प्राइम वीडियो वगैरह सब चीज़ों की भी ऐड आती है, ठीक है, कि आप इसमें देख सकते हो या आप ये इसमें देख सकते हो, हर चीज़ की ऐड आती है। ये दिखाया गया है आपको, 2 मिलियन पीपल, हाँ, पीपल वॉचिंग एवरी डे, 2 मिलियन लोग हर दिन एड देखते हैं, मतलब जो भी एड्स दी जा रही होती हैं देते हैं टीवी में। आप यूट्यूब देख रहे हैं, उसमें भी एड्स आ रही होंगी, आती हैं, ठीक है। तो किस चीज़ का साधन है ये, सेलिंग का ये है कि आप को ये चीज अच्छी लगेगी और आप उसे परचेज करोगे। तो ये इम्पोर्टेंट है, ये स्ट्रक्चर और टीवी एड्स ये नहीं आएगा, मतलब ये स्ट्रक्चर बताया गया है, ठीक है, कैसे कैसे है, पर ये नहीं आएगा। आपका आएगा, क्या आएगा, ये बिल्कुल जरूर आएगा, बिल्कुल ध्यान रखना इस बात को। ये है स्टोरी लाइन वन, शॉर्ट्स ओनली 30 सेकेंड। जैसे इसमें बताया गया आपकी एड किस चीज़ की है, ये द प्रीमियम कॉफ़ी फिजी की। इसको मैं बताऊंगी क्या, ये तो ऐसी लिख रखी है कि सुबह उठे पहले इस पे क्लोजअप किया, फिर उसके बारे में थोड़ा सा बताया, आपको ये बोलना है, ये बोलना है, आपको ये पढ़ना पड़ेगा और ये बिल्कुल ज़रूर आएगा। तो आपको इनमें से कोई भी 30 सेकेंड की स्क्रिप्ट देखनी है, स्टोरी लाइंस की क्या क्या हो रहा है, उसके बाद उसके बारे में आप लिखोगे। इसमें जैसे यही है द प्रीमियम कॉफी, एंड थर्ड है आपकी स्टोरी लाइन क्या है आपकी, हाँ ये थर्ड है आपकी द अरोमा कॉफी। इसमें जैसे ये बताया गया है सर्विस कॉफी लाइन, फर्स्ट बोतल दिखाई गई है, आई एम अ फिल्टर कॉफी, आई एम अ साउथ इंडियन कॉफी, आई एम अ स्मूथ, ठीक है, आई एम अ क्रीमियर कॉफी, आई एम अ सेलेक्ट, ऐसे आपकी ये कॉफी की वैरायटी दिखाई गई है। फिर ये 6 बोतल ये अराउंड दिस, तो आपको ये एक बार ये देखना होगा कि आपको ऐड कैसे तैयार करनी है, ओके, टीवी की, और ये ऐड जरूर आएंगी। तो आपको ये पढ़ना पड़ेगा, ये आप देख सकते हो, ज़्यादा बड़ा नहीं है समझने के लिए। उसके बाद जो भी देंगे वो क्वेश्चन की, इसके बारे में ऐड लिखो तो आप लिख सकते हो, ओके।
नहीं आएगा। टीवी राइटिंग फॉर चिल्ड्रन, चिल्ड्रन के लिए टीवी राइटिंग कैसी होगी? जो भी टीवी प्रोग्राम्स होते हैं चिल्ड्रंस के लिए, कार्टून्स होते हैं या छोटे छोटे ये डिज्नी वगैरह पे भी ये शोज आते हैं छोटे छोटे बच्चों के या चिल्ड्रंस के, तो उनके लिए क्या क्या ध्यान रखना होगा आपकी राइटिंग में? कैसी राइटिंग होगी आपकी, टीवी राइटिंग कैसी होगी, कैसी होनी चाहिए? तो आपको फर्स्ट क्या ध्यान रखना होगा, आपको फर्स्ट ये देखना होगा कि पहले वो हर चीज़ के बारे में क्वेश्चन करे, देन उसका आंसर। क्योंकि फर्स्ट क्वेश्चन बच्चों के में ये होता है कि ये कैसे हुआ, ये क्यों हुआ। बच्चों के दिमाग में हर बहुत क्वेश्चंस उठते हैं, तो उनको क्लियर करना ज़रूरी है जिससे वो कुछ और अच्छा सीख सके कि ये ऐसे क्यों हुआ, ये ऐसे क्यों हुआ। तो फर्स्टली आपको कुछ क्वेश्चंस करने होंगे, फिर उसके आंसर देने होंगे। आपकी ऐसी राइटिंग होनी चाहिए, आपको ये क्लियर होना चाहिए कि आप कितनी एज तक के बच्चों के बारे में लिख रहे हो। आपको एज क्लियर होनी चाहिए कि वो 3 से 6 हैं या 7 से 9 ईयर तक हैं या वो एल्डर हैं, आपको ये भी क्लियर होना चाहिए। ठीक है, आपको पहले ये क्लियर होना चाहिए कि आप कितने इयर्स के बच्चों के बारे में लिख रहे हो। उनका ये देखना होगा कि आप यंग बच्चों के बारे में लिख रहे हो या छोटे बच्चों के बारे में लिख रहे हो। उनके हिसाब से उनके प्रोग्राम की क्या होनी चाहिए, उसकी राइटिंग होनी चाहिए। एंड फर्स्ट या नॉट अंडरस्टैंडिंग, आपकी जो राइटिंग है मतलब आप जो प्रोग्राम दिखा रहे हो उसमें आपके जो रिलेशनशिप हैं, जो भी रिश्ते हैं, वो कॉम्प्लिकेटिव नहीं होने चाहिए, बिल्कुल सरल होने चाहिए कि ये इसकी मम्मी है, ये पापा है, देन थोड़े क्लियर क्लियर। ये नहीं कि आप दूर के भी दिखा रहे हो और ऐसे वो और कंफ्यूज हो जाएंगे, वो उस करेक्टर को भी नहीं समझ पाएंगे। तो आपके थोड़े क्लियर क्लियर आपके करेक्टर होने चाहिए। ठीक है, आपको यही एज क्लियर एज में डिफरेंस रखना होगा कि ये 3 से 6 ईयर तक के बच्चों के लिए ये है। ठीक है, ये 7 से 9 बच्चों के लिए है। एक इमेजिनेटिव होनी, मतलब ये आपकी जो राइटिंग है, आपके जो शोज है, आपके जो प्रोग्राम है, उसमें एक इमेजिनेशन होनी चाहिए कि बच्चा सोचे कि क्या हो रहा है। ठीक है, क्यूरियोसिटी होनी चाहिए उसके बारे में, जिससे उससे भी इंटरेस्टिंग लगे, उसे मजा आए। एक अच्छा साउंड होना चाहिए, साउंड इफेक्ट होना चाहिए, स्मॉल चीजें लो। हाँ, और बच्चों को हर चीज रिपीटेड में देखने में मजा आता है। हर चीज वो एक को 2 3 बार भी देखना पसंद करते हैं छोटे छोटे बच्चे। ठीक है, तो ऐसी होनी चाहिए जो इंटरेस्टिंग लगे और समझ में आए कि हाँ, जो भी आप लिख रहे हो वो 1 2 बार या 2 3 बार बच्चा आराम से देख सके। क्योंकि बच्चों को क्या मज़ा आता है, उसे पता होता है कि मुझे, उसे पता नहीं होता, मतलब उसको अच्छा लगता है बच्चों को कि वो ये चीज़ वो रिपीटेड देखता रहे, वो बोर नहीं होता है उस चीज़ में। ठीक है, सेम सॉन्ग सुनना उसे पसंद होता है। ठीक है, सेम स्टोरी देखना पसंद होता है उसे। तो ये भी बातें आपको ध्यान रखनी होंगी, ये 3 4 चीजें। तो आप उसमें क्या है, ये प्रिपेयरिंग द स्क्रिप्ट, आप उसकी स्क्रिप्ट कैसे तैयार करोगे, क्या चीजें ध्यान में रखी तैयार करोगे। आपने अभी ये तो देख लिया है कि बच्चों को क्या क्या चीजें हमें ध्यान रखनी है कि कैसा कैसा हो सकते हैं, कैसे कैसे उनको चाहिए कि वो रिपीटेड देखते हैं नहीं देखते हैं, सिंपल लैंग्वेज का यूज करो। ठीक है, गलत वर्ड का यूज नहीं करना है हमें। आप स्क्रिप्ट कैसे तैयार करोगे, क्या ध्यान में रख के तैयार करोगे अपनी आप स्क्रिप्ट? तो आ गुड स्क्रिप्ट एबल टू विजुअलाइज, ठीक है, आपकी ऐसी होनी चाहिए जो आपको बिल्कुल क्लियर दिखे, आपको पहले इमेजिन हो जाए या आपको उसकी क्लियर पिक्चर दिख जाए। ओके, पिक्चर के द्वारा आप उसे अच्छी तरह समझा सकते हो, आपकी जो भी आप बता रहे हो, जो आप भी आप टीवी पे दिखा रहे हो, बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। राइटिंग फॉर द
ईयर, मतलब आपकी बातों को, हाँ राइट फॉर द ईयर, कोई भी आपकी बातों को सुन रहा है, देख रहा है, ये बात ध्यान में रखनी होगी आपको, ठीक है। फोकस अटेंशन, आपकी जो राइटिंग स्क्रिप्ट लिख रहे हो उस पे पूरा ऐसा फोकस होना चाहिए जिससे आप इतनी इंटरेस्टिंग तरीके से लिखो उसे, ठीक है। या जिस चीज पे आप फोकस डालना चाहते हो उस चीज पे आपका फोकस चले, जो देख रहा है उसका फोकस जाए उस चीज पे, पढ़ लीजिएगा। ये नॉर्मली वही थिंग्स हैं कि क्या क्या होना चाहिए, प्रोडक्शन एलिमेंट्स, अवॉइड मेटाफर, कीप द सिंपल सिंपल वर्ड होने चाहिए, स्पैन अटेंशन स्पैन, अटेंशन स्पैन योर चाइल्ड डिपेंड्स ऑन स्पेसिफिक एज ग्रुप। अपने एज ग्रुप में आप उनको अलग अलग डिवाइड करके देख उनके हिसाब से लिखो, ठीक है। क्या क्या एलिमेंट डालना है आपको, ठीक है। आप ये कल्चर, ये कम्युनिकेशन जो भी है, ये आप गलत कल्चर से रिलेटेड, कल्चर से रिलेटेड आप कोई भी स्पेसिफिक आप मैसेज मत दो जिनकी उनकी थिंकिंग में चेंज आए। एंड अवॉइड मेटाफर, मेटाफर क्या होते हैं, अवॉइड योर मेटाफर, मतलब इनका यूज मत, ये अलंकार टाइप, ठीक है, इनको अवॉइड करो। मैं मतलब जो भी आप डिफरेंस करते हो, कंपेयर करते हो, कंपैरिजन से को अवॉइड करो, ठीक है। 7th है आपका, इसमें आपके मतलब ऐसे फनी फनी थिंग्स दिखाओ अपने प्रोग्राम में जो बच्चों को इंटरेस्टिंग लगे, ठीक है। फनी थिंग्स होंगी, एंटरटेनिंग होगा, कॉमेडी होगी तो बच्चों को बहुत मजा आता है। जोक्स वगैरह होने चाहिए, ठीक है। कोई भी कंपैरिजन मत करो, ठीक है। सिंपल कल्चर रखो, सिंपल लैंग्वेज रखो, बिल्कुल जो भी आप बोल रहे हो क्लियर होनी चाहिए, बच्चों को समझ में आनी चाहिए। यूनिट 3 है हमारी, अंडरस्टैंडिंग न्यू मीडिया। इसमें क्या है, व्हाट इज न्यू मीडिया, ये तो आपका, इसमें क्या है आपका इम्पोर्टेंट, आपका इम्पोर्टेंट इसमें है व्हाट इज न्यू मीडिया, ये नहीं आएगा। 3.2.1 है आपकी, डिफरेंट बिटवीन ओल्ड एंड न्यू मीडिया, ये आपका एक इम्पोर्टेंट है। एंड आपका इम्पोर्टेंट है गाइडलाइंस फॉर राइटिंग फॉर ऑनलाइन मीडिया, ये आपका इम्पोर्टेंट होगा इस यूनिट में, और कुछ इम्पोर्टेंट नहीं है। आप बोलोगे कि ये पॉइंट्स नहीं करवाए, बट ये इम्पोर्टेंट नहीं है आपके, सिर्फ एग्जाम्स है, जल्दी आपको प्रिपरेशन करनी है तो आप पहले ही देख लीजिए। 3.2.1 है आपका, ये इम्पोर्टेंट हो सकता है, डिफरेंस बिटवीन ओल्ड एंड न्यू मीडिया एंड गाइडलाइंस फॉर राइटिंग फॉर न्यू मीडिया, क्या क्या गाइडलाइंस होती हैं आपकी न्यू मीडिया की। ओके आपको अगर ये पूछ लिया भी जाता है व्हाट इज न्यू मीडिया, वैसे तो आएगा नहीं, इतना सिंपली में भी कोई क्वेश्चन नहीं पूछता है कोई भी, आपके एग्जाम में भी ऐसे कोई इतने भी सिंपल तरीके से कोई क्वेश्चन नहीं पूछेगा। बट अगर पूछ भी लिया जाता है तो आपको पता है न्यू मीडिया क्या है, ओल्ड मीडिया क्या है। ओल्ड मीडिया अब हम इसमें डिफरेंस देख लेंगे, अगर आपका आता भी है 1% व्हाट इज न्यू मीडिया, तो आप इससे रिलेटेड लिख सकते हो क्योंकि आपके डिफरेंस बताए गए हैं इसमें, ओल्ड मीडिया क्या है और ओल्ड मीडिया क्या है और ओल्ड मीडिया और न्यू मीडिया क्या है। ओल्ड मीडिया में क्या क्या आते हैं आपके, जिसे हम मास मीडिया कहते हैं, क्या क्या आते हैं आपके, प्रिंटिंग आती है, टेलीविजन आती है और रेडियो आते हैं, क्या होता है ये आपके,
ओल्ड मीडिया होती है जिसमें आपसे प्रिंट रिलेटेड आते हैं, जैसे न्यूज़पेपर, पत्र पत्रिकाएं आपकी, ठीक है, आपकी प्रिंटेड होती है जो आपको प्रिंट करनी पड़ती है। प्रिंट तो आपको न्यू मीडिया की भी करनी पड़ती है, बट ये जो आपकी न्यूज़ है, न्यूज़पेपर है, ये आपके ओल्ड मीडिया में आती है। ओके, और आपको जो ये इंटरनेट रिलेटेड है, ये फोन्स हैं, कंप्यूटर्स हैं, ये किस में आती है आपकी? ये आपकी आती है न्यू मीडिया में। इनमें डिफरेंस क्या क्या है? फर्स्ट डिफरेंस तो हो गया, इसमें ये आते हैं और सेकंड इसमें ये आते हैं। सेकंड डिफरेंस क्या होगा इसमें? ओल्ड मीडिया क्या है, बहुत स्लो है, मतलब स्लोली। इसका मीनिंग ही ये है कि आप धैर्य से इसे पढ़ो और समझो, ओके। बट न्यू मीडिया क्या है? न्यू मीडिया इसके बिल्कुल अपोजिट है। वो क्या चाहता है कि जल्दी जल्दी पढ़ो, जो भी जल्दी जल्दी इंफॉर्मेशन लो, क्योंकि न्यू मीडिया में आपको एक इंफॉर्मेशन नहीं मिलती है, आपको बहुत सारी, एक ही चीज़ के बारे में आपको बहुत सारी इंफॉर्मेशन मिलेंगी, ठीक है। तो आप बहुत ज़्यादा पढ़ना चाहोगे, देखना चाहोगे कि इसमें क्या है, इसमें क्या है। तो न्यू मीडिया क्या है, थोड़ा स्पीडी है, मतलब तेज़ है एज कम्पेयर टू ओल्ड मीडिया की। न्यू मीडिया, ओल्ड मीडिया क्या है, आपकी कोई भी इंफॉर्मेशन आपको दूसरे तक पहुंचाने में टाइम लगता है। थर्ड पॉइंट क्या हो जाएगा आपका? न्यू मीडिया एक ही सेकंड में कितनी भी इंफॉर्मेशन वो एक ही सेकंड में एक साइड से दूसरी साइड पहुंचा सकता है, वो कितने भी दूर हो। ओके, ये हमने देख ही लिया था कि ये बहुत तेज है, न्यू मीडिया स्पीडली काम करता है। ये जर्नलिज्म का भी दे रखा है। हाँ, और क्या है न्यू मीडिया और ओल्ड मीडिया में डिफरेंस? कॉमन थिंग है, ये तो सबको भी पता होगा, ये जो आपके फेसबुक है, ट्विटर है, इंस्टाग्राम है, चैट्स करते हो, ये किस में आती है आपकी? न्यू मीडिया में आती है। ये जो चिट्ठी वगैरह, आपके पत्र होते हैं, लेटर्स होते हैं, ये किस में आते हैं आपके? ओल्ड मीडिया में आती हैं, ठीक है। आजकल तो ये भी सारी चीज़ें किस में कन्वर्ट हो गई हैं आपकी? न्यू मीडिया में हो गई है। ये नॉर्मल थिंग्स है जो आप लिखोगे, फर्स्ट है, अब ये हो गया है इमरजेंसी ऑफ, ये तो नहीं। हाँ, गाइडलाइंस फॉर राइटिंग फॉर ऑनलाइन मीडिया, इसके लिए आपकी क्या क्या गाइडलाइंस हैं ऑनलाइन मीडिया के लिए? इसके लिए आपकी क्या क्या गाइडलाइंस हैं? आपको ऑनलाइन मीडिया के लिए अगर आप कुछ लिख रहे हो तो उसके लिए आपको क्या क्या चीज़ों का ध्यान रखना होगा, क्या क्या आपकी गाइडलाइंस हैं, वो हम इस वाले में पढ़ेंगे। ये आपका क्वेश्चन आ सकता है इस यूनिट में, दो इम्पोर्टेंट है। एक आप डिफरेंस बता सकते हो ऑनलाइन मीडिया के और न्यू मीडिया के, इसमें ही आपका एक और क्वेश्चन कवर हो जाएगा कि ऑनलाइन मीडिया क्या है। अगर ये भी क्वेश्चन आता है ओल्ड मीडिया क्या है आपका, वो भी उसमें ही क्लियर हो जाएगा, दोनों क्वेश्चन एक में ही क्लियर हो जाएंगे आपके। एंड सेकंड आपका गाइडलाइंस फॉर राइटिंग फॉर ऑनलाइन मीडिया, इसमें क्या है आपका? फर्स्ट पॉइंट है ठीक है, ब्रीफ एंड रिसर्च, मतलब आपकी हर चीज़ की संक्षिप्त में, मतलब क्लियर जानकारी होनी चाहिए, एंड आपको उस पहले उस बारे में आप रिसर्च करोगे, ठीक है। और आपका कैसा होना चाहिए, आपके जो वर्ड्स हैं वो ज़्यादा नहीं होने चाहिए, 400 या 800 तक होने चाहिए। ज़्यादा आप लिखोगे तो कोई भी लिस्ट देखने वाला है ना, वो ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं लेगा कि इतना सारा है क्या पढ़ूँ मैं। छोटा होगा तो हाँ चलो देख लेते हैं, ठीक है, ऐसा होना चाहिए। इंटरेस्टिंग होना चाहिए, आपकी जो भी आपका इंट्रो है या आपकी जो फर्स्टली डेफिनेशन है वो बिल्कुल क्लियर होगी, इंटरेस्टिंग लगेगी, तो जो भी पढ़ने वाला है, जो भी देखने वाला है वो आएगा, ठीक है।
और ऑनलाइन मीडिया में क्या है, सबको जल्दी रहती है, क्योंकि एक ही चीज़ नहीं होती वेबसाइट पे। अगर आप कुछ भी डालते हो तो उसके लिए बहुत सारी आपकी वेबसाइट्स आती हैं कि इसमें ये बताया गया होता है, इसमें ये बताया गया होता है, एक ही इंफॉर्मेशन की। ओके, तो आपको कैसा लिखना होगा उसके लिए, आपको एक अट्रैक्टिव लगे ऐसा लिखना होगा, ठीक है। इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट चीज़ लिखोगे या पॉइंट्स पे लिखोगे, ब्रीफ एंड पॉइंट्स, मतलब जो भी आप लिख रहे हो वो क्लियर एंड आप पॉइंट्स में लिखोगे, जिससे आपको ज्यादा लिखना ना पड़े और पढ़ने वाला ज्यादा बोर ना हो, वो बोर ना हो ये भी बात का ध्यान रखना होगा, क्योंकि अगर वो बोर होगा तो दूसरी चीज में देखने चले जाएगा, आपकी हेडलाइंस, ठीक है। आपकी क्लियर हेडलाइंस होनी चाहिए। फर्स्टली फोकस किस चीज पे जाता है आपका, आपकी हेडलाइन पे जाता है। एक ही बात को आप दो दो तीन तीन बार नहीं दोहराओगे उसमें, ठीक है। आप पहले गुड रिसर्च एंड हेल्प टू राइटिंग, मतलब आपको पहले अच्छे से रिसर्च करोगे जिस बारे में लिख रहे हो, एंड उसके बाद आप उसे लिखोगे। ऑनलाइन मीडिया में क्या है, यही चीजें मेन है कि आपको इंटरेस्टिंग लिखना है, फास्ट फास्ट लिखना है, कम लिखना है, ज्यादा भी नहीं लिखोगे, ठीक है। पेजेस ज्यादा भी नहीं लिखोगे, थोड़ा लिखो, पॉइंट टू पॉइंट लिखो, इन्फॉर्मेशन लिखो, ठीक है, इंटरेस्टिंग टाइप में लिखो। ओके, और अपने फुल जो एक्सपीरियंस है वो उसमें डाल दो, जो आप बताना चाहते हो उसमें पूरी रिसर्च करके उसे क्लियरिटी से लिखो। फोकस एंड स्ट्रक्चर, मतलब वही बात है इसमें भी, कि आप जो भी लिख रहे हो उस पर पूरा फोकस होना चाहिए, ठीक है। जो भी आप लिख रहे हो, आपकी राइटिंग स्टार्ट कर रहे हो, आपको पहले क्लियर होना चाहिए कि आप क्या लिख रहे हो, किस बारे में लिख रहे हो, आपको उसके बारे में नॉलेज है या नहीं है, और उसको कैसे आप उस पर फोकस डालते हो, और कैसा आपका स्ट्रक्चर होगा। पहले आप उसके बारे में रिसर्च करोगे, उसका स्ट्रक्चर, उसके बारे में इन्फॉर्मेशन तैयार करोगे कि आपको किस चीज़ पे फोकस डालना है, किस चीज़ पे नहीं डालना है, देन आप क्या बनाओगे, उसका स्ट्रक्चर बनाओगे कि पहले क्या बताना है, फिर क्या बताना है, इसके बाद क्या बताना है, या किस चीज़ पे क्या लिखना है। ओके, थर्ड है आपकी ये लिस्ट बनानी है, लिस्ट है आपकी, लिस्ट ही है, मतलब आपको सूची बनानी है पहले उस चीज की जिस बारे में आप लिख रहे हो, शॉर्ट फॉर्म में पहले आप उसकी भी सूची बनाओ, ठीक है। उसके बारे में आप उसको पढ़ो, आपको समझ आता है तो ठीक है, नहीं तो आप उसमें करेक्शन करना चाहते हो उसकी करेक्शन करो, उसकी अपनी जो मिस्टेक है उनको साइड करो। फोर्थ क्या है आपका, लिंक्स एंड इंटरेक्टिव ऑप्शन, मतलब अपने जो ये लिंक्स हैं लिंक्स में डिवाइड करो, मतलब कि इस बारे में आपको यहाँ लिंक मिलेगा, लिंक भी प्रोवाइड करो, एंड उनमें से भी जो शॉर्ट्स लिंक होते हैं, मतलब आपके जो एक आपके चैनल का लिंक होता है, देन उसमें से भी आपके जो शॉर्ट्स लिंक होते हैं कि इस टॉपिक के बारे में ये लिंक है, इस टॉपिक के बारे में, ऐसे आप लिंक प्रोवाइड करवाओ, जो आपका जो रीडर है उसको आप लिंक प्रोवाइड करवाओ, उसको अच्छे अच्छे ऑप्शंस दो, ठीक है। क्योंकि आप कुछ भी चीज़ें आप ढूंढने जाते हो, खुद ही देख लो, आप गूगल पे कुछ भी चीज़ ढूंढने जाते हो, आप एक चीज़ सर्च करते हो, उसके बारे में आपको बहुत सारी साइड में आपके पेजेस खुल जाते हैं एक ही चीज़ के बारे में, तो उन्होंने क्या डाल रखे होते हैं, अपने लिंक्स डाल रखे होते हैं, तो आप भी ऐसे अपने लिंक्स डालो, उसको क्लियर करो, ठीक है। बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं रीडर्स के पास। हेडलाइन एंड कीवर्ड्स, वही हमने जो ऊपर पढ़ा था, ये अभी थोड़ी देर पहले ही पढ़ा था, कि जो आपकी हेडलाइंस है उसको अट्रैक्टिव बनाओ, डायरेक्ट मैसेज दो अपनी हेडलाइन के थ्रू, क्योंकि आप पहले हेडलाइन देखते हो, आपको जो देखना होता है पहले आप हेडलाइंस पढ़ लेते हो, आपके पास इतना टाइम नहीं होता है, क्योंकि इतने सारे ऑप्शंस हैं, वो हर हर जो भी आपके फ़ोन में वो देखना चाहते हैं रीडर, आप खुद ही देख लो, आप फ़ोन में कुछ आता है तो आप पहले क्या देखते हो, हर चीज़ें देखना चाहते हो क्या है क्या नहीं है, और उसकी पहले क्या पढ़ते हो, हेडलाइंस पढ़ते हो, आपको हेडलाइन इंटरेस्टिंग लगती है, देन आप पूरा पहरा पढ़ते हो उसके बारे में कि ओ ये हुआ है ये हुआ है, या अगर न्यूज़ भी है तो भी आप क्या पढ़ते हो, पहले हेडलाइंस पढ़ते हो,
और हेडलाइंस पढ़ने के बाद आपको हेडलाइंस में ही थोड़ी क्लियरिटी मिल जाएगी, मिल जानी चाहिए। ओके, आपको हेडलाइन ही ऐसी क्लियर लिखनी होगी जिससे उसमें इंटरेस्ट बने, क्योंकि उसके पास इतना टाइम नहीं है रीडर के पास कि वो पूरी ही जानकारी आपको देखता रहे, पूरी इतनी बड़ी लिस्ट आपकी पढ़ता रहे। तो उसमें आपको ऐसे लिखना होगा जिससे आपकी हेडलाइंस में ही क्लियरिटी मिल जाए। आपकी ऐसी हेडलाइंस होनी चाहिए, आपके कीवर्ड्स ऐसे होने चाहिए, सिंपल, गुड, ठीक है। पंक्चुएशन एंड स्पेल चेक, मतलब आपकी जो भी पंक्चुएशन है वो इम्पोर्टेंट मैटर नहीं करती, मेनली ग्रामर आपकी मैटर नहीं करती है ज़्यादा कि आपने नहीं, मतलब आपकी पंक्चुएशन ज़्यादा मैटर नहीं करती है क्या है क्या नहीं है, बट आपकी स्पेलिंग्स एंड ग्रामर आपकी उसमें ठीक होनी चाहिए, ठीक है। आप भी जो भी लिख रहे हो उसके बारे में ऑनलाइन मीडिया में, आपकी अगर ग्रामर ठीक नहीं होगी, गलत वगैरह लिखा है, तो कोई भी रीडर उसे पढ़ना चाहेगा, उसे नहीं पढ़ना चाहेगा, क्योंकि गलत सलत लिखा होगा तो कोई क्यों पढ़ना चाहेगा। ओके, सो उसमें आपको ध्यान रखना होगा आपकी स्पेलिंग्स मिस्टेक नहीं होगी, ठीक है, जो भी आप लिख रहे हो उसे क्लियर लिखोगे, ग्रामर मिस्टेक नहीं करोगे। विजुअल इनहैंसमेंट्स एंड रीराइटिंग एंड एडिटिंग, इसमें क्या होगा, आपका फर्स्ट देखोगे आप, फर्स्ट मैजिक क्या होता है आपकी विजुअलिटी का, कि जो भी आप लिख रहे हो उसमें आप क्लियर हो या नहीं हो इमेजिन करोगे पहले, ठीक है। 90% इसमें बताया गया है कि 90% लोग मतलब रिसर्च करते हैं कोई भी, तो क्या देखना पसंद करती है, जिसमें आप कोई भी पढ़ रहे हो तो उसमें इमेजिनेशन होती है, वो आपको इंटरेस्टिंग लगती है नहीं लगती है, किसी चीज़ की आपको इमेजिनेशन हो रही है जो आप पढ़ रहे हो, आपको बिल्कुल इंटरेस्ट आएगा उस चीज़ में। तो पहले आप इमेजिनेशन करोगे, देन आप स्टार्ट करोगे, उसके बाद आप रीचेक करोगे जो आपने लिखा है उसको, पहले आप रीचेक करोगे कि ये आपने सही लिखा है, खुद से ही आप कंपेयर करोगे, मतलब एक साइड तो आपने लिख दिया, देन आप भी कंपैरिजन करने वाले होंगे कि क्या ये मैंने ठीक लिखा है, इसमें ये ऐसा क्यों लिखा है, आप खुद ही खुद से क्वेश्चन करोगे, ठीक है, खुद ही अपने कॉम्पिटिटिव बनोगे कि ये ठीक है या ये नहीं है, फिर उसके बारे में भी आपकी कुछ गलतियां सामने आएंगी, उस गलतियों को सुधारोगे, ठीक है, उस गलतियों को सुधारोगे, उन गलतियों से निराश नहीं होगे, बल्कि उनको क्या करोगे, उनको सही करने की कोशिश करोगे, एंड उनको सही करोगे एंड उसमें एडिटिंग करोगे, जो भी गलत है उनको सही करके उसको पूरी अच्छी तरह एडिटिंग करके आप उसको पब्लिश करो। ओके, पहले उसको ऐसे तैयार करो, इमेजिनेशन टाइप, मतलब सोचो जो भी आप लिखना चाहते हो उसके बारे में आपने लिख दिया है, तो उसके बारे में फिर आप उसको रीचेक करो, जो भी आपकी गलतियां निकलती हैं उनको सही करो, देन उसके बाद उसमें एडिटिंग करो। फोर्थ में भी मैंने आपको बता दिया है कि क्या इम्पोर्टेंट रहने वाला है आपका फोर्थ में, फोर्थ में आपका यही रहेगा डिफरेंट बिटवीन ओल्ड मीडिया एंड न्यू मीडिया, एंड सेकंड आपका इम्पोर्टेंट रहेगा गाइडलाइंस फॉर राइटिंग फॉर ऑनलाइन मीडिया। ओके, एंड हमारी फोर्थ यूनिट है, वीडियो ज़्यादा बड़ी हो गई है, क्लियर कर ही लेते हैं प्लीज में। फोर्थ है हमारी राइटिंग फॉर न्यू मीडिया, हमने जस्ट एक थोड़ी दिन थोड़े मतलब एक दो मिनट पहले ही हमने देखा था कि गाइडलाइंस क्या क्या है हमारे ऑनलाइन मीडिया के, अब है क्या आ गया हमारा न्यू मीडिया की राइटिंग आ गई, इसमें क्या आपका इम्पोर्टेंट होगा, नहीं ये भी नहीं है, एंड ये What is multimedia story and online challenges?
क्या क्या ऑनलाइन चैलेंजेस आते हैं, एंड मल्टीमीडिया क्या है, मल्टीमीडिया स्टोरी क्या है। मैंने आपको पहले वाली वीडियो में भी बताया था, प्लीज आप एक बार अपने असाइनमेंट जो आपने किए हैं उनके क्वेश्चंस क्लियर कर लीजिए, ठीक है, क्योंकि 50% ऐसा होता है जो आपके फर्स्ट मतलब इससे पहले जो ईयर के क्वेश्चन पेपर हैं उनके सेम क्वेश्चन नहीं आ सकते, 50-50% ऐसा है, बट जो आपके असाइनमेंट के जो भी आपके क्वेश्चन किए हैं आपने वो 80-90% आते हैं आपके, प्लीज उनको क्लियर कर लीजिएगा। और मैं भी अभी आपको इन वीडियोस में सिर्फ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ही करवा रही हूँ जो आएंगे, फोर्थ कौन सा था, 4.5 थी हमारी, फोर पॉइंट फाइव इम्पोर्टेंट है, एंड सेकेंड है आपके ऑनलाइन चैलेंजेस क्या क्या होते हैं। तो 4.5 में आपका क्या है, व्हाट इज़ मल्टीमीडिया, हमारी वीडियो बहुत लेंदी हो गई है आज, सो हम यही देखेंगे कि मल्टीमीडिया क्या होती है। मल्टीमीडिया क्या होता है, जिसमें आपके हर चीज़ें कंप्यूटर, ठीक है, कंप्यूटर में जो भी आप करते हो, फोन्स में ऑनलाइन, ठीक है, वेबसाइट, वेब पेजेस होते हैं, क्या किस में आते हैं आपके, मल्टीमीडिया में आते हैं। और मल्टीमीडिया स्टोरी क्या होती है, जो आप ऑनलाइन जो भी आप स्टोरी पढ़ते हो या देखते हो वो किस में आती है आपकी, मल्टीमीडिया स्टोरी में आती है। और इन चीज़ों की किस में बहुत ज़्यादा मांग होती है, आपकी रेडियो में मांग होती है, टीवी वगैरह में आपकी मल्टीमीडिया स्टोरीज की मांग होती है। आपको पता है मल्टीमीडिया क्या है, एक साइड आप मल्टीमीडिया को रखें, देन आप साइड रखें स्टोरी, ठीक है, स्टोरी को। और मल्टीमीडिया स्टोरीज कौन सी हो जाती हैं, जो आप ये यूट्यूब पे या आपकी वेबसाइट्स पे जो भी आप ये स्टोरीज देखते हो पिक्चर से रिलेटेड, वो आपकी किस में आती हैं, आपकी मल्टीमीडिया स्टोरी में आती हैं, ओके। इनकी बहुत ज़्यादा मांग होती है आपकी टेलीविज़न, न्यूज़, ठीक है, रेडियोज़ वगैरह पे, इंटरेस्टिंग होती है, सब ज़्यादा से ज़्यादा देखना उसे पसंद करते हैं। ऑनलाइन चैलेंजेस क्या क्या आते हैं, आप सभी को पता है ऑनलाइन चैलेंजेस क्या क्या आते हैं। आप कुछ भी देखने जाते हो, बहुत सारे ऑप्शंस मिलते हैं, आप पहले तो यही आप कंफ्यूज हो जाते हो कि कौन सा सही है कौन सा गलत है, ठीक है। और उसमें कुछ कुछ चीज़ें ऐसी होती है जिसमें आपकी झूठी बातें भी बताई जाती है, ये भी एक ऑनलाइन चैलेंज ही है। आपको बहुत सारे ऑप्शन मिलते हैं, ये भी चैलेंज है, आप कंफ्यूज हो जाते हो क्या सही है क्या गलत है। आज के टाइम पे सब इंटरनेट यूज कर रहे हैं, कोई भी कुछ भी पोस्ट करके डाल देता है, अगर वो सही है या गलत है वो नहीं देखते हैं। कोई भी न्यूज है, कोई भी अफवाह है, वो किस चीज से फैल रही है, गलत, ऑनलाइन चैलेंजेस मतलब ऑनलाइन ही फैल रही है, तो ये भी एक चैलेंज है, ओके। यही है, आप ये पढ़ लीजिएगा, बहुत ज़्यादा लेंदी हो गई है वीडियो, जो आपको बता ही दिया है कि ऑनलाइन चैलेंजेस क्या होते हैं, ये तो नॉर्मल थिंग है, सबको पता होता है, आपको भी पता होगा ऑनलाइन चैलेंजेस क्या क्या आते हैं, ओके। सो ये ट्विटर, ई बुक्स एंड ये पॉडकास्ट सबको पता ही है, सभी यूज़ करते हैं आज के टाइम पे, फेसबुक इंस्टाग्राम सब भी यूज़ करते हैं, ठीक है। ये ब्लॉक हमारे यहीं कंप्लीट होता है, ये ब्लॉक यही हमारा कंप्लीट होता है, मैं इसके नोट्स शायद प्रोवाइड नहीं करवा पाऊँगी। और ब्लॉक फर्स्ट एंड सेकंड के मैं अभी बता रही हूँ, मैंने आपको नोट्स प्रोवाइड करवा दिए हैं, एंड थर्ड ब्लॉक के मैं प्रोवाइड नहीं करवा पाऊँगी,
आपके एग्ज़ाम भी हैं 3 दिसंबर से, आपके एग्ज़ाम है ये इंग्लिश का ही है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, प्लीज़ लाइक करो, सब्सक्राइब करो, एंड जो भी कुछ डाउट्स है आप टेलीग्राम पे जाके पूछ सकते हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय।